पहली बार जहाज में बैठूंगा मैं यार। वैसे खुद सोचो मेरी बात सुनो कि इतनी मोटी चीज, इतनी बड़ी, इतना वजन होता है उसका, वो हवा में कैसे उड़ेगी भाई? मुझे तो ये डर है कि गिर ना जाए यार। कई दफा साजू भाई ने गाड़ी धो दी है भाई, ये करिश्मा कैसे हो गया साजू भाई? कभी कभी तो ख्याल रखना पड़ता है ना यार। चलो यार, पहली बार देख रहा हूँ मैं। तुम्हारा मुँह भी तो धुलवाते हैं यार। तो तुम पहले इतना लेट हो चुके थे भाई, और आगे से इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि भाई कराची में इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है। मैं तो ये दुआ करूँ कि ना पहुँचे, थोड़ा लेट पहुँचे। ऐसे दुआएं नहीं किया करो यार, दुआ करो कि हम पहुँच जाए भाई। गाइस एयरपोर्ट आ चुके हैं, अभी सामान वामान उठा रहे हैं। मोहिब रेडी हो चुका है, ठीक है। अफरीदी मेरी गाड़ी वापस छोड़ देगा, बस दे दो जल्दी सामान। ये मोहिब, ये बैग पहनो। गाइस टोटल 30 मिनट में हमारी फ्लाइट है, और हमारे तीन बड़े मसले हैं। एक तो हमारे पास ड्रोन है, एक हम लेट हो चुके हैं, और एक हमारी टिकट के अंदर भी कोई मसला है भाई। पता नहीं क्या मसला है। कैसे हो भाई, ठीक हो? जल्दी पहनो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, चलो। अफरीदी ओके, अल्लाह। और भाई हम लोगों ने जल्दी बोर्डिंग पास ले लिया। कुछ सामान उन्होंने हमारे हाथ में दिया है कि ये खराब ना हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग लेट हो रहे हैं। उस बंदे ने ये कहा कि आपकी फ्लाइट ऑलमोस्ट मिस हो चुकी थी, बस ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपके साथ छोटा बच्चा है, और इस छोटे बच्चे की शरारतें उसके नहीं पता। मेरी वजह से आप बच्चे हो। हम लोगों ने भी हेल्प ले ली है, ठीक है, ताकि हम पहुँच सके। अब अगर आपके पास बोर्डिंग पास आ जाए तो फिर तो जहाज नहीं उड़ता ना, नहीं है ना टेंशन? बस फिर तो टेंशन ही नहीं है भाई। अच्छा अगला जो मुहिम जहाँ पे चेकिंग हो रही है ना, वहाँ पे पेंट उतारनी पड़ती है, सही है? तो तुमने पेंट उतारनी पड़ेगी। नहीं नहीं, पेंट भी इसके उतरवाने। ये मुझे सही बंदा नहीं लग रहा ना ये। चलो मुझे यहाँ पे रखो अपना बैग, घड़ी बड़ी उतार के रखो इसमें। यार हम लोग आ तो चुके हैं, लेकिन भाई हम लोग लेट थे, तो उसी वजह से भाई एक मसला हो चुका है कि मैं और साजू भाई ना मतलब अलग अलग होंगे, मेरी अलग सीट होगी, साजू भाई अलग। तो भाई अभी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम दोनों के साथ सीट दे दें। हम दोनों को सेम सीट मिल जाए उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। फाइनली गाइस मोहिब आ चुका है जहाज के अंदर। मोहिब तुम्हें भी डर लग रहा है? यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कपड़े क्या हुआ? डर लग रहा है। एक बच्चे की रोने की आवाज हमेशा आती है, अभी भी आ रही है। बिल्कुल सच सच बताओ, सच सच तुम डर रहे हो? आंखें देखो लाल हो गई है गाइस। ओ भाई कुछ भी नहीं होता पागल। अरे कुछ भी नहीं होता, दिन में कितने जहाज उड़ते हैं। अभी से धुएं निकल गए जहाज से, तो देखो कैमरे में इतनी दिख रही है। एसी है पागल। गाइस अभी जहाज उड़ने वाला है, और मोहिब की हालत टाइट है। वो देखो रनवे, वो देखो सीधी लाइन नजर आ रही है, उड़ गया। वो देखो पूरा कराची, बच्चे रो रहे हैं पीछे, तुम क्यों नहीं रो रहे? क्या हुआ यार, ये तो हो रहे है। कुछ नहीं होता, वो देखो नीचे तुम्हें बादल दिख रहे हैं, वो कराची। ये तो बादलों को भी नीचे छोड़ दिया, ऊपर से देखो यार कराची कितना कलरफुल है यार। भाई लंच बॉक्स वंच बॉक्स लाए हो? यहाँ तो खाना नहीं देते भाई। कुछ भी नहीं लाए बस बेटा, 12 घंटे अखबार होना। और फाइनली मोहिब के लिए खाना आ चुका है। क्या होगा इसमें यार, पता नहीं क्या होगा, लेकिन शुक्र है खाना आ चुका है। चावल है, पता नहीं कड़ी चावल है, पता नहीं क्या है। गाइस मुहिब ने एक चीज तो बताई नहीं आप लोगों को, ये देखे भाई, सच सच बता, घर के खाना नहीं होता, घर का घर के खाने वाला टेस्ट है। गाइस क्या मैंने खाना खा लिया, अभी आता है कि रायता भी है यार साथ में, तो खाना तो खत्म हो चुका है अभी, क्या करें। चलो इसको ऐसे ही पी लो पीछे। ये देखो यार, ये देखो हालत देखी तुमने, सीट बेल्ट मत खोलना वरना एयर होस्टेस को बुला लूंगा। मुहिब ट्राई करने लगा है भाई, देखते हैं मुहिब। ओ भाई मुझे तो अच्छी शक्ल से ही अच्छा लग रहा है मुहिब। ये पता क्या है, इसको खोलो खोलो तो, ये थैली है। ये क्यों है पता है? क्यों लैंडिंग होने वाली है, जल्दी हो जाए। और मोहिब डर के मारे देख रहा है नीचे, वो देखो नीचे सब कुछ दिखने लग गया है। क्या तो फाइनली लैंड हो चुका है भाई, शुक्र लैंड हो गया सेफली भाई। गाइस ये मेरी हालत है, देखो सामान वामान कितना कुछ मैंने पकड़ा हुआ है, और इसने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ, एक अपनी घड़ी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता करना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे थे इस्लामाबाद, फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद में हमारा है शूट अपनी वीडियो का, 6-7 दिन का। माज मुरसलीन लोग सब पहले आ चुके हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं, पहले इनके पास जाएंगे। गाइस
देखेंगे ना तैयारियाँ कैसी की है, फिर अपनी लोकेशन पे भी रात में ही जाना है क्योंकि सुबह से शूट स्टार्ट कर देना हमने। अभी सुबह से जाना है क्योंकि भाई 7-8 दिन का शूट है तो बहुत मसला हो जाएगा यार अगर लेट हो जाएंगे। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि गाइस मुझे पता है कि मेरे साथ स्कैम होने वाला है। क्या स्कैम होने वाला है? टैक्सी ड्राइवर स्कैम करते हैं और हमें टैक्सी चाहिए ना। हाँ ये बात है, देखना यहाँ पे तो बहुत स्कैम होते हैं। कितने में लेके जाएंगे? भाई मैं जहाज में 2500 की टिकट करवा के आया था, यहाँ एयरपोर्ट से आगे जाते हैं भाई। मुझे लग मैंने सुना इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत ज्यादा दूर बना लिया। हाँ भाई दूर हो गया मोहिब एयरपोर्ट। आज अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, मोहिब पीछे बैठा है। मोहिब थकन तो नहीं हुई यार? वैसे एक बार तो थकन हुई है थोड़ी बहुत हुई है। वैसे एक बार तो अभी जगह अगर हम लोग बस में जा रहे थे तो अभी सफर शुरू होता। फाइनली गाइस हम लोग मुर्सलीन लोगों के पास अभी उतर के तो आ गए, अब ये सामान वामान उठाते हैं अभी उनके पास चलते हैं गाइस। तो भाई हम लोग आ चुके थे यहाँ पे, बास हो रहा, मुर्सलीन हो रहा, साजिद भाई ये रहे, तो आप साथ आए हो यार। तो अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट पे भाई, खाना जल्दी से खाते हैं और बट कराई यार ये तो मास के बारे में क्या ख्याल है, 3 दिन में कमजोर हो गया? हाँ, कमजोर हो गया सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला मुर्सलीन। गाइस हम जा रहे हैं एक सीक्रेट जगह पे जहाँ पे हमारा होने वाला है शूट। मोहिब कराची के अलावा पहली दफा शूट हो रहा है इस तरह। हम लोग पहली बार इस तरह है इस्लामाबाद में यार। हाँ और मोहिब मैंने मुझे एक बात बताओ, सच सच तुम बेशक जहाज में आयो पर थकान तुम्हें सफर की उतनी नहीं है ना? बिल्कुल वही वाली बस वाली हुई है। क्या भाई खाना आ गया यार? भाई जल्दी ले आओ यार, ये देख रहे हो तुम्हें बच्चे की कितनी उम्मीदें हैं यार। यार 2-3 दिन गुजर के रात दोबारा होगी, अभी खाना है। अभी खाना है गाइस और ये यहाँ पे आ चुके हैं। बट कढ़ाई उसके मांस के आगे रख दी है जो कि बचने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अच्छा मांस क्या बोल रहे, उधर बैठ नहीं रहे, बोले बहुत सीट होती है। पता नहीं टिकटॉक पे कुछ देख लिया हो कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो रिस्पेक्ट में नहीं आता ये कि बहुत सीट पे बैठे। सही बात सही बात भाई, तुम सबको बता रहा हूँ मैं, मोहिब ना जहाज में इतना डरा है ना इंजेक्शन से इतना नहीं डरता भाई जितना जहाज से डर गया। वो देख सफीरा पर है। सब खा रहे हैं बट कढ़ाई, पर मोहिब ने अपने लिए मलाई बोटी मंगवाई हुई है। क्यों यार? क्योंकि मैं नहीं खाता ये, इससे दिल खराब हो जाता है। दिल खराब हो जाता है इसमें ना गाइस, मक्खन वक्खन बहुत ज्यादा होता है तो उससे मोहिब का दिल खराब होता है। गाइस आप लोगों को ये आधा व्लॉग कैसे मिला मैं बताता हूँ आप लोगों को। हम जाते हुए हम लोगों ने व्लॉग शूट किया, उसके बाद अनसिंकेबल था, हम अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा बिजी थे और वो मेन चैनल का प्रोजेक्ट था तो उसके लिए हमने 8-10 दिन शूट किया। उसके बाद हम वापस भी आए, अभी एक हफ्ता और भी हो चुका है, हमें पता ही नहीं था कि इस जो व्लॉग का आउट्रो हम लोगों ने नहीं किया था। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, अनसिंकेबल आने वाला है। मैं बता रहा हूँ जिसने हमें हमारा व्लॉग का आउट्रो करना बुला दिया तो किस तरह का प्रोजेक्ट होगा। आप लोग लाजमी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।